Dear student, this is the example of the eigen value and the eigen vector. Eigen value हमने प्रीवियसली चेक किया कि आइगन वैल्यू बेसिकली हमारे पास इक्वेशन की रूट्स होती हैं और डिटर्मिन क्या कर रहा है आइगन values, उसको हम R में भी चेक करेंगे यहाँ पर भी हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि आइगन वैल्यू बेसिकली है क्या हमारे पास इन लीनियर algebra, लीनियर algebra की बात हो रही है एंड the आइगन vector इज़ अ नॉन ज़ीरो vector, ओके आइगन वैक्टर हमारे पास क्या है बेसिकली नॉन जीरो है अगर इफ़ इट इज़ जीरो जीरो वो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वो जीरो हो जाएगा तो आइगन बेसिकली हमारे पास है नॉन जीरो देन मल्टीप्लाइड बाय अ स्केयर मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स के साथ हम आइगन वैक्टर जो कि नॉन जीरो वैक्टर है उसे मल्टीप्लाई करें इन लीनियर अलजबरा द रिजल्ट इन अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल वैक्टर तो so रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा स्केलर मल्टीपल एक स्केलर यानी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर कौन सा होगा दैट इज नॉन जीरो वेक्टर द स्केलर मल्टीपल इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू जो स्केलर मल्टीपल है दिस इज द स्केलर मल्टीपल दैट इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू एसोसिएटेड विद द आइगन वेक्टर कौन से आएंगे हमारे पास रूट होती है आइगन वैल्यू अब हमारे पास क्या हो गया आइगन वैक्टर होते हैं आइगन वैक्टर यानी हर आइगन वैल्यू से हम आइगन वैक्टर जनरेट करेंगे इन अदर वर्ड एन आइगन वैक्टर इज अ डायरेक्शन वेक्टर क्या बता रहा है बेसिकली हमें डायरेक्शन बता रहा है विच इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाइल वैल्यू इज डायरेक्शन। बेसिकली क्या हो गया आइगन वैल्यू हमें बता रही है अमाउंट ऑफ द स्केल ठीक है आइगन वैल्यू हमें बताएगी अमाउंट द ट्रांसफॉर्मेशन स्केल और आइगन वेक्टर बेसिकली हमें डायरेक्शन बताएगा अब डायरेक्शन आइगन वेक्टर ने हमें बताना है और उस डायरेक्शन की जो अमाउंट आ रही है वो हमें आइगन वैल्यू बताएगी तो दिस इज दी जनरल डेफिनेशन इन लीनियर अल्जरा क्या है थोड़ा सा रिकॉल करना है अगेन हमने एवरी नॉन जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है हमने से नाउ लुक एट दिस दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए हमारे पास है स्केयर मैट्रिक्स अब हम यहाँ कर रहे हैं टू फाइंड द आइगन वैक्टर्स एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इस ए का हमने स्केयर हमारे पास है मैट्रिक्स इसकी हमने आइगन वैल्यू और आइगन वैक्टर फाइंड करना है okay? ओके अब हमें क्या करना है इक्वेशन क्या है और आपको पता है कि इसके लिए मैथमेटिक इक्वेशन है वो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है वी नीड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन नाउ दिस इज द इक्वेशन ओके अब आप हम इसको रिकॉल करो प्रीवियस के साथ प्रीवियस हमें क्या कह रहे हैं एक नॉन जीरो वेक्टर है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है स्केयर मैट्रिक्स के साथ तो रिजल्ट क्या होगा विच इज इक्वल टू दिस इज स्केलर मल्टीपल ऑफ दी नॉन जीरो यही आपके पास एग्जाम्पल थी ना आइगन वैक्टर इज अ नॉन जीरो वैक्टर क्या है यहाँ पे ये आपके पास दिस इज नॉन जीरो वैक्टर वेन मल्टीप्लाइड बाय स्केर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया हमने इस स्केयर मैट्रिक्स के साथ रिजल्ट क्या आ है इन स्केलर मल्टीपल कहाँ है हमारे पास दिस इज इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ओरिजिनल वेक्टर तो ओरिजिनल वेक्टर कहां था हमारे पास ये न्यू ऑफ ओरिजिनल वेक्टर तो दिस इज द इक्वेशन इस इक्वेशन से अब हम फर्दर क्या कर रहे हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर जनरेट करेंगे वेयर न्यू दिस इज द साइन ऑफ न्यू नोटेशन है दिस इज द साइन ऑफ न्यू आप इस वेक्टर को x भी कह सकते हो और एनी अदर वेयर न्यू इज द आइगन वेक्टर ओके दिस इज द आइगन वेक्टर एंड लैमडा दिस इज दैमडा दिस इज द स्केलर मल्टीपल जो हमारे पास है लेमडा इज द आइगन वैल्यू ओके हर आइगन वैल्यू के अगेंस्ट आइगन वैक्टर जनरेट होंगे हमारे पास तो न्यू हमारे पास दिस आर द आइगन वैक्टर एंड लेमडा इज द आइगन वैल्यू क्या बताते हैं डायरेक्शन बता रहे हैं हमें आइगन वैल्यू हमें अमाउंट बता रही है वी कैन री राइट दिस इक्वेशन एज दिस जस्ट हमने क्या किया इक्वालिटी के इस साइड पे लाए हैं और हमने यहाँ से न्यू की जो वैक्टर है उसको कॉमन लिया है कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हम रिजल्ट फाइंड कर लेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर का बट इसको इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे स्क्वेयर मैट्रिक्स अभी हमारे पास टू बाई टू है मे बी थ्री बाई थ्री हो जाए और इंक्रीज हो जाए इसका ऑर्डर तो मैनुअली फाइंड करने से बेटर है और फ्रेंडली यूजर के हम यहाँ पे आर में इसको सॉल्व करें अब स्टूडेंट्स हम इसको आर में लेके जाके देखते हैं दिस इज दी आर स्टूडियो विंडो अब हमारे पास क्या था ए हमने लेट किया इक्वल्स टू मैट्रिक्स क्योंकि मैट्रिक्स बनानी है हमने सी सी कंबाइन कर दे डेटा को क्या था डेटा हमारे पास टू वन वन टू टू वन वन टू अभी हमने प्रीवियस देखा डेटा टू वन वन टू कितनी रोज और कॉलम्स थी आपके पास टू रोज थी और टू कॉलम्स थी क्योंकि स्क्र मैट्रिक्स है कॉमा हाउ मेनी रोज एन रोज एन रोज वो बनाए मीन्स टोटल कितनी रोज बनाए टू नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए टू हमारे पास इसको चेक कर ले हमें एक दफा हमने मैट्रिक्स बनाया है और टू बाय टू का हमने मैट्रिक्स बनाया। देन हाईलाइट ए को हमने रन किया हमारे पास आ गया है दिस इज टू वन वन टू बेसिकली यही डेटा था हमारे पास टू वन वन टू हमने उसकी मैट्रिक्स बना अब हमने क्या फाइंड करना है आइगन वैल्यू आइगन वैक्टर सिंपल कमांड है आर के अंदर आइगन किसकी आइगन निकाल के दे वो मुझे ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की मुझे उसने आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर फाइंड कर जस्ट एक कमांड से देखो हमने क्या किया ये आपके पास आ रही है वैल्यूज आइगन वैल्यूज आ गई थ्री और वन एंड दिस इज आइगन वेक्टर यहाँ पे आइगन वेक्टर आ गई अब जरा मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि मुझे एक्सट्रैक्ट कर दे वैल्यूज और वेक्टर मैं यहां पे जो इसके कंसोल में चेक करूं कि ये वैल्यूज हैं ये वेक्टर हैं तो मैं डायरेक्ट अब हमारे पास क्या कमांड आ रही है कि मुझे जस्ट वैल्यू बता दे आइगन वैल्यूज कौन सी आनी लिखा मैंने आइगन ए ए में से क्या कर दे मुझे जस्ट वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दे उसके लिए डॉलर साइन जो फिक्स करता है वैल्यूज फाइंड कर हैं तो आइगन वैल्यूज की कमांड जस्ट मुझे आइगन वैल्यूज बता दे क्या रही है हाईलाइट रन क्या आ गई आइगन वैल्यूज थ्री एंड वन ठीक है फर्स्ट हमारे पास होती है जिसको हम लेमडा वन हाइस्ट वैल्यू है तो जिसको हमने लेमडा आपके पास कॉन्स्टेंट था ना तो हम कह दिया लेमडा वन इज दी थ्री एंड लेमडा टू इज दी दन अब मुझे जरा वेक्टर भी निकाल दे ठीक है अब किया आइगन किसमें से ए मैट्रिक्स में से डॉलर साइन किसको फिक्स कर लिया वेक्टर फाइंड करना मुझे अब वेक्टर चाहिए एक नाउ लुक एट दिस दिस इज द आईकॉन वेक्टर फर्स्ट क्या हो गया मेरे पास जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन जीरो पॉइंट सेवन जीरो दिस इज द कॉलम वेक्टर ठीक है और नेक्स्ट क्या है माइनस जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन एंड दीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से क्योंकि हाइपोथेटिकल है टू वन वन टू हमने किया है थ्री क्रॉस थ्री कर लो आप इजीली हम यहाँ से आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर आर में इजीली जनरेट कर लेते हैं मैन्युअली भी हम इसे करेंगे वो भी हम आगे ज़रूर इसको फाइंड करके देखेंगे कि मैन्युअली कैसे जनरेट होते हैं बट हमने आर में देख लिया कि ईजीली आइगन वैल्यूज़ और आइगन वैक्टर जनरेट कैसे हो रहे हैं और आइगन वैल्यूज़ आइगन वैक्टर बेसिकली हमें बताते क्या हैं आज हमने ये चीज़ भी यहाँ पर स्टडी की है